हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। आप यहाँ पर नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पिसी हुई चीनी है। और इसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। इसे ऐड करने से हमारी जो डो का वो फर्मेंटेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ऐड करें। और इससे हल्की सी मिठास भी आ जाती है, तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही को मिक्स करके इसे अच्छे से नीट करेंगे, क्योंकि हम इसे बिना ईस्ट के बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डो को स्टिकी बनाया है, आपको भी ऐसे ही बना लेना है। और अब हम इसमें फिर से रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इस डो को मैंने यहाँ पर चिकना कर लिया है। अब हम इस डो को 1/2 आवर के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके सेट होने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और 1/2 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। कुछ इस तरह हमारा डो हो गया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं हमने बहुत ही स्टिकी सा डो बनाया था और ये हमारा डो लगभग चिकना हो चुका है। तो इसे हम बोल से बाहर कर लेते हैं और इसे काउंटर पर रखेंगे। हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदे को स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इस डो को हल्का सा नीट कर लेंगे। इसके ऊपर मैदा को डस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसे हमें लंबा बेलना है क्योंकि हम पिज्जा पिनव्हील बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे लंबे शेप में बेल लिया है, ऐसे ही आपको भी इसे रोल कर लेना है। और अब हम इसमें पिज्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। एक पतली लेयर हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस की लगा देंगे। तो इसमें हम चीज़ ऐड कर लेंगे, थोड़े से इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे जो भी आपके पास हो, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ऑलिव, जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं, ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हम यहाँ नहीं ऐड करेंगे, नहीं इन्हें कट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। रेड कैप्सिकम, ऑलिव ऐड कर लेंगे। तो हम इसे एक साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे पिन व्हील हम बनाते हैं वैसे इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। क्योंकि हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करना है प्री हीट के लिए, तो यहाँ पर हम 8 नंबर प्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारा ओवन यहाँ पर प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्री हीट कर लेते हैं। तो अब हम इसे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, नाइफ से कट कर लेंगे स्लाइसेस में। तो इसे इस बेकिंग डिश में रख लेंगे। इसमें मैंने बटर पहले ही अप्लाई कर लिया। तो इसमें हम पिज्ज़ा ओरिगैनो ऐड करेंगे, पिज्ज़ा चिली ऐड करेंगे। तो ये हमारे पिज़्ज़ा पिनव्हील बेक होने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इसे ओवन के अंदर रख देते हैं। हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। इसे बेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अगर आपके ओवन में कन्वेक्शन मोड है तो आप इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक करें, क्योंकि इस ओवन में केवल ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड है। तो इसे हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर 180 डिग्री हम सेलेक्ट कर लेंगे।
आप केवल कन्वेक्शन मोड पर ही इसी टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। बस टाइम आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड के कंपैरिजन में। अब हम यहाँ पर पिज्जा को बेक करने के लिए टाइम सेट करेंगे। टाइम हम यहाँ पर 8 से 10 मिनट का सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 मिनट एंटर कर देते हैं और जैसे ही हमारे पिज्जा यहाँ पर बेक हो जाएंगे हम उन्हें देखते रहेंगे और उन्हें हम ओवन से बाहर कर लेंगे। अगर आप केवल इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक कर रहे हैं तो इसे आप 10 से 12 मिनट इसे बेक करेंगे। तो अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और इस पिज्जा को अच्छे से बेक कर लेंगे। तो ये देखिए पिनव्हील पिज्जा हमारा रेडी हो गया है, तो इसे ओवन से बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पिनव्हील अच्छे से पके हुए हैं।